निम्बार्क आश्रम के महंत मोहन शरण शास्त्री ने सनातन सेवा समिति के तत्वावधान में आयोजित 7 दिवसीय संगीत में श्रीमद भागवत कथा ज्ञान यज्ञ महोत्सव के 4th दिन शनिवार को भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव पूरे भक्ति भाव से मनाया गया। भगवान का जन्म होने का प्रसंग आने पर भक्तगण खुशी से झूम उठे और भगवान के जयकारे लगाते हुए नाचने लगे। देवरा बालाजी के पास आरसी माहेश्वरी भवन में व्यासपीठ से कथा वाचन करते हुए महंत मोहन शरण शास्त्री ने कहा कि हमारी वाणी ऐसी होनी चाहिए जो अपने मन के साथ दूसरों के मन को भी शीतलता प्रदान करे। हमेशा मीठे वचन बोलने चाहिए। जो अपनी जुबान पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है उसे जीत लेता है। समिति के प्रचार प्रसार सचिव रमेश मुंद्रा ने बताया कि कथा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महानगर संघचालक कैलाश चंद खोईवाल, पंडित अशोक व्यास, भाजपा जिला अध्यक्ष राधुलाल तेली, माहेश्वरी समाज जिला अध्यक्ष दीनदयाल मारू, जिला मंत्री देवेंद्र सोमानी, वरिष्ठ नागरिक मंच के अध्यक्ष मदन खटोर, सचिव कृष्ण गोपाल सोमानी, श्याम कुमार डाड, सुशीला डाड, वीणा खटोर, विजय लक्ष्मी सोमानी, लीला राठी, गायत्री सोमानी आदि मौजूद थे।